नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 12 अगस्त सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है, सुबह 6:33 तक। आगे फिर द्वादशी तिथि आ जाएगी और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। योग हर्षण है दोपहर बाद 3:21 तक। आगे वज्र योग है तो योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। जहां 3:21 तक दोपहर तक बहुत अच्छा दिन है, आगे का दिन खरीदारी करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। करण कौलव है शाम 7:25 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:56 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:07 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें समझिए और सूझबूझ से टाल दीजिए। आज के मुहूर्त थे जो कि बहुत ही दुष्ट मुहूर्त रहा करते हैं, वो है 5:56 सुबह, 6:49, 6:50 और 7:41। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो उसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और जब ये करें आप, यानी उड़द के जो दाने खाएंगे या जो अदरक का टुकड़ा खाएंगे, उस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे तो ये दिशाशूल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:35 से सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:35 से शाम 5:25 तक, फिर शाम 7:10 से 8:25 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है, तो अच्छे एफर्ट्स जब आप करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों, मिथुन है, यानी चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने अति आत्मविश्वास पर आज रखना है नियंत्रण। ऐसे ही जो वृष राशि वाले हैं उनको मिलेगा बड़ा धन लाभ का अवसर, कहीं से कोई अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। और मिथुन राशि वाले आज पूरा दिन रहेंगे डबल माइंडेड, समझ नहीं आएगा क्या करना है। और कर्क राशि वाले किसी प्रकार के बड़े नुकसान से हो सकते हैं विचलित। वहीं सिंह राशि वालों को अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। और कन्या राशि वाले अपने करियर में बढ़ेंगे आगे, विशेष करके वो लोग जो अकाउंट से फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। तुला राशि वाले भाग्य में आ रहे अवसरों का लाभ उठाते हुए दिखेंगे। वहीं वृश्चिक राशि वाले आज वाहन चलाने में बढ़ते सावधानी। और धनु राशि वाले पार्टनरशिप के व्यवसाय में पाएंगे सफलता और सामंजस्य। वहीं मकर राशि वालों को पैसे का लेन देन आज शत्रुता की ओर आगे ले जा सकता है, तो किसी को पैसे दे सोच समझ के दें। कुंभ राशि वाले जो छात्र छात्राएं, वो किसी प्रकार के कोचिंग संस्थान में पाएंगे नई दिशा। वहीं मीन राशि वाले आज धैर्य बनाए रखें, किसी की बातें आपको बहुत बुरी लग सकती है, ठेस लग सकती है। तो दर्शकों अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों बाहरी आवरण का प्रयोग सदैव से भीतर की वास्तविकता को छुपाने के लिए होता है। अंदर से व्यक्ति कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। और व्यक्ति अच्छे वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार धारण ही इसीलिए करता है कि वो ऐसा दिखने लगे जैसा कि वो वास्तव में है नहीं। तो ऐसे में किसी के बाह्य आवरण या बनावटी आचरण से उस व्यक्ति के प्रति अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए और किसी पर भी अति विश्वास करने से हमेशा बचना चाहिए, और ऐसा हर एक परिस्थिति में कीजिए। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी देखी सुबेशु भूले ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के ही पेखु बचन सुधा सम असन अही। यानी कि सुंदर वेश, बाह्य आडंबर देखकर न सिर्फ मूर्ख बल्कि चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं।
जैसे मोर को ही देखिए कि उसका वचन और रूप इतना सुंदर है, लेकिन उसका जो आहार है वो तो विषधर सर्प यानी सांप ऐसा जिसमें जहर हो, ऐसा ही उसका आहार है। इसलिए रूप और वेश और बनावटी बातों से किसी का आकलन बिल्कुल ना करें, अपने विवेक को जागृत रखें, सूझबूझ से सोच समझ कर किसी से व्यवहार आगे बढ़ाएं। तो ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिन्हें करके असफलता को अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से कॉन्फिडेंस से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है आज आप लोग माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं, वहां श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, साथ ही भगवान शिव जी पर मीठे दही फलों के रस से अभिषेक करें और फिर कीकर के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही आज शाम किया गया किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का जो पाठ है वो आपके आने वाले वर्ष को बहुत ही सुंदर बना देगा। हनुमान जी की शिव जी की अमोघ कृपा आप पे होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जब आपको किसी साक्षात्कार में जाने पर भय लगता हो या स्टेज फियर रहता हो या फिर मुकदमे में आपको लगता है कि आप सही हैं फिर भी आपका पक्ष लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, या फिर ऐसा होता हो कि आप किसी विरोधी का सामना करने में घबरा जाते हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में नित्य भगवान श्री राम का पंचोपचार से पूजन करें और उनके युद्ध में प्रवृत्त महाकाल स्वरूप का ध्यान करें। जब वो युद्ध में गए थे तो कैसा विकराल महाकाल स्वरूप उन्होंने क्रोध के साथ धारण किया था, उसका ध्यान करें। हृदय से उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे अभय और साहस प्रदान करें और सर्वत्र विजयी बनाएं। फिर इस प्रार्थना के साथ इस विशिष्ट चौपाई की 3 माला का जाप आप 21 दिन तक करें, फिर देखें चमत्कार कैसे होते हैं। चौपाई ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार है। कर सारंग साजी कटी भाता, अरिदल दलन चले रघुनाथा। कर सारंग साजी कटी भाता, अरिदल दलन चले रघुनाथा। 21 दिन कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको किसी ऐसे कार्य जाना हो तो मात्र 1 माला का जाप करके भगवान से प्रार्थना करके निकलिए, आपकी कार्य सिद्धि निश्चित रूप से होगी। ऐसे ही दर्शकों, जब विवाह योग्य युवक युवतियों को अच्छे रिश्ते ना मिल रहे हों या फिर विवाह तय होने में अनावश्यक विलंब हो रहा हो तो ऐसी किसी भी स्थिति में एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए जिससे इस समस्या से आप बाहर आएं। लड़की को चाहिए कि हर सोमवार शिवजी पर एक सेब यानी एप्पल और माता पार्वती पर एक पीला वस्त्र उनको अर्पित कर दें और नमः शिवाय की 5 माला का जाप नित्य करती रहें। ऐसे लड़के को चाहिए कि हर शुक्रवार गौ माता को मीठे चावल खिलाएं और नित्य 3 माला इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। फिर से समझते हैं, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। दर्शकों, बहुत ही जल्दी यानी कुछ 2-3 महीने बीतते बीतते बहुत ही जल्दी आपका रिश्ता तय हो जाएगा और उचित अपने कुल अनुसार, अपने परिवार अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार आपको जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आप करके देखिए। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक ईशान गुप्ता जी की, जयपुर से। 28 जनवरी 2000 का इनका जन्म है, 4:18 शाम को जयपुर। प्रश्न किया है, डिप्रेशन रहता है उपाय बताएं। ईशान जी, आपका मिथुन लग्न और तुला राशि है, लग्नेश आपका अस्त है और चंद्रमा शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है अपने आप में अवसाद का। इसके अलावा राहु केतु की पीड़ा जन्म पत्रिका में स्पष्ट है। आपके सूर्य ग्रहण का अष्टम भाव में होना दर्शा रहा है कि बहुत भारी पितृदोष भी है आपको, तो आप एक तो पितृ शांति करवाइए, बुध के 7 गुना जाप करवाइए और एक अच्छा सा पन्ना गले में पहन लीजिए, आपको बहुत जल्दी इन सब समस्याओं से राहत आने लगेगी। साथ साथ आप ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक मीना जी की, करौली से। 8 दिसंबर 1996 का इनका जन्म है, 12:24 करौली। प्रश्न किया, विवाह योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मीना जी, आपका कुंभ लग्न है, तुला राशि है, गुरु और शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में स्वराशि के हैं, तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है वैवाहिक जीवन के लिए भी और वैसे भी आपका करियर वाइज भी बहुत अच्छा रहता है। हालांकि मंगल की सिंह राशि में आपकी विवाह भाव में उपस्थिति ये दर्शा रही है कि गुस्सेल जीवन साथी रहेगा, लेकिन वैसे कोई बड़ी समस्या जीवन में कभी नहीं आएगी। आपका जो विवाह योग है वो January 2024 to January 2025 के बीच में, जिसमें आपका विवाह हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा।
पंडित चंद्रशेखर शर्मा, ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन है कि श्रावण मास चल रहा है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें, प्रकृति की सेवा करें क्योंकि ये प्रकृति ही साक्षात भगवती है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।